स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम एंड आई एम वेरी सॉरी दैट ये वीडियो इतना लेट हो गया है। एक्चुअली कुछ काम में फंस गया था, इस वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। बट एज वी हैव ऑलरेडी कॉट अप, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर फ्रॉम टुडे एंड वी आर गोइंग टू एंड अप सून। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरी वन दैट जितना भी पार्ट आप वीडियोज़ को देख के कवर अप करते जा रहे हैं, उस पार्ट पे अगर कोई भी पार्ट आपको लगता है कि उसकी क्वेरी आपको पूछनी चाहिए या फिर मुझे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो या केस की वीडियो दोबारा बनानी चाहिए, तो काइंडली ड्रॉप योर सजेशंस एंड ड्रॉप योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। एंड स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड टू मी थ्रू माय स्कूल, दे कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप और ऑन कॉल, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू स्पेशली thankful to VK publication and the author Poonam Gandhi book has helped me a lot preparing all these notes and all the content. So let us start today's class. In the previous video we just saw the principle of management and we discussed the principle of management given by Henry Fayol. Today we are going to study the principle given by Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor. So let us take an insight towards the life of Taylor. Taylor ki life ke baare mein hum ek baar dekhte hain. To Taylor ka lifetime kya tha? March 20, 1856 to March 21, 1915. He was an engineer from profession, and he held a degree in mechanical engineering from Stevens Institute of Technology in 1883, and position held apprentice machinist in 1874, executive as Midwell Steel Company in 1884, at Bethlehem Iron Company in 1898, professor at Tech School of Business. अब as he was engineer, ठीक है, an engineer जो already technical बंदा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस टेक्निकल नॉलेज को मैनेजमेंट पे इम्पोज करना चाहता था। जो फेयोल के प्रिंसिपल थे वो बिहेवियरल थे, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल जो हमने पढ़े थे वो प्रिंसिपल आपके बिहेवियरल थे, ह्यूमन साइंस पे अप्लाई होते थे। लेकिन टेलर ने क्या किया, टेलर के प्रिंसिपल फेयोल के प्रिंसिपल से डिफर कैसे है, क्वेश्चन आ सकता है। एक आगे हम एक आगे की स्लाइड्स में देखेंगे भी, और हमको ये चीज़ एक समझने वाली भी है कि एट व्हाट एक्सटेंट या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल एंड एफडब्ल्यू टेलर। तो एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल हैं, टेलर के जो प्रिंसिपल हैं, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि टेलर इज इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट इन टू हिज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अपने प्रिंसिपल में साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है टेलर ने, ठीक है, पूरी साइंस को अप्लाई कर दिया। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, साइंस क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटेशन एंड इट्स आउटकम्स। साइंस क्या है, हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद हम उन आउटकम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार, क्या कहते हैं टेलर अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। पहला जो पॉइंट है वो है दैट मॉडर्न मैनेजमेंट वॉज अनप्रोफेशनल एंड शुड बी स्टडीड एज अ डिसिप्लिन। यानी जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, और उसको एज अ डिसिप्लिन पढ़ना चाहिए, मीन्स दैट मस्ट बी कंपल्सरी। सेकेंड पॉइंट इज वर्कर शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट, देयर वुड बी नो नीड ऑफ ट्रेड यूनियंस। कि जो ट्रेड यूनियन वाला सिस्टम है कि अपने राइट के लिए पावर शेयरिंग के लिए लड़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन वाला है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ट्रेड यूनियंस नहीं होने चाहिए, बस एक अंडरस्टैंडिंग पे काम होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली मेंटेन रहनी चाहिए, अगर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रहती है तो किसी भी तरह के ट्रेड यूनियन की जरूरत किसी भी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पड़नी चाहिए। आफ्टर दैट पार्टनरशिप बिटवीन अ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड अ कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स। और एक मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के बीच क्या है, एक पार्टनरशिप रहनी चाहिए। और ये वर्कफोर्स भी कैसी हो, ये वर्कफोर्स भी आपकी कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव होनी चाहिए। ये था आइडिया ऑफ टेलर रिगार्डिंग हिज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो पहले जो आपके फेयोल के प्रिंसिपल थे वो बिहेवियरल प्रिंसिपल थे, बट द प्रिंसिपल ऑफ टेलर आर ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब सबसे पहली जो चीज़
जो मेजर इम्पॉर्टेंट टास्क है, हमको ये समझना चाहिए कि इस साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। कि यहाँ पे जो टर्म है हमारा साइंटिफिक, साइंटिफिक टर्म का मतलब क्या है? साइंटिफिक टर्म का मतलब है कि सबसे पहले मैंने आपको साइंस का मतलब बता दिया। साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटेशन एंड स्टडिंग इट्स आउटकम्स, ये होता है साइंस। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि साइंस के प्रिंसिपल को, साइंस के एक्सपेरिमेंटेशन को हम किस पे इम्प्लाई कर रहे हैं? हम मैनेजमेंट पे इम्प्लाई कर रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे इम्प्लाई कर रहे हैं, हम अपने रेगुलर वर्क पे काम कर रहे हैं। तो ये था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एक बार रिपीट करता हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट और एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? चाहे वो वर्कफोर्स पे हो, चाहे मैनेजमेंट पे हो, रेगुलर एक्टिविटी पे हो, टूल्स मैनेजमेंट को लेकर हो, हर एस्पेक्ट में बिजनेस के और मैनेजमेंट के साइंस को अप्लाई किया जा सकता है। दैट इज द साइंटिफिक रूल ऑफ मैनेजमेंट। अब व्हाट टेलर हैज डन, टेलर हैज डिवाइडेड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनटू फोर पार्ट्स। अब उसमें जो सबसे पहला जो आता है पार्ट, वो होता है क्या? दैट इज द साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड फोर्थ वन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? अब सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं अपना, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। बट बिफोर दैट एक बार समझ लेते हैं कि ये रूल ऑफ थंब क्या है। रूल ऑफ थंब क्या कहता है? रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट, यानी जहाँ पे मैनेजर चाहेगा वो वहाँ पे अपनी मर्जी से काम करेगा, कोई भी सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। तो एक बार थंब रूल को हम क्या कर लेते हैं, सर्किल कर लेते हैं और समझ लेते हैं थंब रूल क्या है। थंब रूल क्या है? दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट। डिक्टेटरशिप ऑफ वॉट? डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर जो चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है, ठीक है? एक तो होता है ये, लेकिन लेकिन दूसरा जो तरीका है साइंस, साइंस क्या कहती है? साइंस क्या मतलब? लोगों को उनकी एफिशिएंसी के बेस पे जज करना, ठीक है? थंब रूल किस पे जज कर रहा है? डिक्टेटरशिप बेसिस पे, सीनियरिटी बेसिस पे, लोगों को उनकी क्वालिटी के बेस पे जज नहीं कर रहा। कोई एक्सपेरिमेंटेशन की बात नहीं कर रहा, कोई नए आइडिया की बात नहीं कर रहा, सब घिसे पिटी लकीर के फकीर बन के चल रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन एंड स्टडिंग इट आउटकम्स। हमारे पास दो सिचुएशन है यहाँ पे, हाउ द एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड, उनके सीनियरिटी के बेसिस पे या फिर उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे। एक केस आ जाए हमारे सामने इसी प्रिंसिपल का, एक एप्लीकेशन कि इन अ फर्म नेम्ड एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, टू ऑफ द एम्प्लॉयज आर वर्किंग, वन इज रमेश हु इज 50 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज वर्किंग इन द कंपनी फॉर प्रीवियस 20 ईयर्स, बट ही इज नॉट एफिशियंट फॉर द फर्म। ही इज द पर्सन हु डज all the work just by the book, but there is a person Suresh, he is a new employee, he has been hired just a year back and he has done lot of new work in the company for the betterment of firm. So promotion should be given to whom and why? तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, मैंने रमेश की बात की, सुरेश की बात की। हम या तो प्रमोशन दें सीनियरिटी के बेसिस पे या परफॉर्मेंस बेसिस पे। अगर हम सीनियरिटी के बेस पे दे रहे हैं, मींस दैट इज द रूल ऑफ थंब। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट के बेस पे दो, आउटकम के बेस पे दो, रियल वर्ल्ड रिजल्ट के बेस पे दो। एंड रियल वर्ल्ड रिजल्ट के बेस पर जब हम देते हैं तो दैट इज द ऑन द परफॉर्मेंस बेस्ड। तो साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब
states that it involved investigation of traditional method through work study and experiment. यानी कि ये जो method है, ये जो principle है, ये क्या है, traditional method को study करता है experimentation से और वृक्ष और कैसे work study करके. और इसका काम क्या है, टू डेवलप वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. एक ऐसा मेथड निकालना जिससे कि आपकी आपका एम्प्लॉय आपके लिए एफिशिएंट रहे. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड शुड बी अवॉइडेड. हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, हिट एंड ट्रायल का मतलब यह है कि अंदाजे में कहीं भी तीर मार दो. ठीक है, देखो एक तो तरीका होता है मार्केट को समझना, मार्केट की स्टडी करना. एक चलो ये भी छोड़ते हैं, हमने बिस्किट की फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था. ठीक है, एक पर्सन होता है, मैं ओनर हूँ, कि भैया 500 बिस्किट के पैकेट बना दे. ठीक है, ऐसे ही बिक जाएंगे, नहीं बिके नहीं बिकेंगे. ये हो गया क्या आपका रूल ऑफ थंब, ट्रेडिशनल मेथड. यहाँ मैंने क्या हुआ, हिट किया, ट्रायल हुआ, मिस हो गया. ठीक है, मैंने गोल को इमेजिन किया, इंट्यूशन के साथ काम किया एंड मिस हो गया. रूल ऑफ थंब एंड ट्रेडिशनल मेथड. रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, और वहीं पे मैं मार्केट को स्टडी करूं, एक लिस्ट बनाऊं कितनी मेरी डिमांड है, कितना अपनी डिमांड को लेके कितने परसेंटाइल मैं एक्सीड कर सकता हूं, समय क्या है, ठीक है, और चीज़ों के प्राइसेस क्या है. अगर मैं सारे डेटा को लेके प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो ये हो गया क्या आपका साइंटिफिक मेथड. ठीक है, तो ईच वर्क मस्ट बी बेस्ड अपॉन साइंटिफिक इंक्वायरी. यानी हर चीज क्या है, साइंस पे बेस्ड हो, साइंटिफिक इंक्वायरी हो, बात हो, डिस्कशन हो, तब जाके कोई काम हो. ऐसा नहीं अपनी मर्जी से आप कुछ भी आइडिया लगा लें. किसी भी काम को करने से पहले सोचना सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, उसके एक्सपेरिमेंट्स को देखना, उसके आउटकम की स्टडी करना, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में. ठीक है, वर्क स्टडी एनालिसिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. अब जैसे एक एग्जाम्पल भी यहां दिया हुआ है कि सेंडिंग इंफॉर्मेशन बाय ईमेल इंस्टेड ऑफ पोस्ट हैज मेक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट. सॉरी, इस लाइन में रिपीट हो गया. ठीक है, तो यानी कि एक एग्जाम्पल हमें दे दिया कि ईमेल से इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो दैट इज फास्ट एंड दैट इज एफिशियंट. ठीक है, ऐसा नहीं अंदाजे से काम चल रहा है. तो साइंस का मतलब क्या है, स्टडी एवरीथिंग, एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग एवरीथिंग, एंड उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम को जांच के इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप कोई डिसीजन लें, चाहे वो आपके बिजनेस के छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी डिसीजन हो सकता है, दैट इज एज पर द बिजनेस. ठीक है, इंट्यूशन पे काम नहीं चलता है यहाँ पे. ठीक है, एक बार देख लेते हैं और क्या है, Only one best method to maximize efficiency. Science के principle को apply करके एक ऐसा method निकालना जिससे कि आपकी efficiency बढ़े. Second point, developed through scientific study and analysis of each element of job and should substitute rule of thumb. यानी कि ये जो method है, ये आपका scientific study और हर जॉब के एनालिसिस से निकल के आया है, और ये मेथड जो है वो रिप्लेस करता है किसको, ऐसे करना चाहिए, रूल ऑफ थंब यानी ट्रेडिशनल मेथड को, इंट्यूशन वाला मेथड को, जो अनुमान लगाने वाले मेथड होते हैं ना बिजनेस में, अनुमान काम नहीं करते बिजनेस में. ठीक है, ऐसा मानना था किसका, टेलर का. ठीक, इसके बाद फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी एंड डेवलप वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. ये टेलर का मानना था कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इवनली इम्प्लीमेंट होना चाहिए. ठीक है, और इसमें जो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड की स्टडी होती रहे, इन्वेस्टिगेट होता रहे और एक नया मेथड निकल के आए. तो अल्टीमेटली एक नए मेथड को निकालने के बारे में बात हो रही है, और एक नया मेथड निकल के आएगा, एंड जब आप सारी चीज़ें सोच समझ के करेंगे, अंदाजे से नहीं करेंगे, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स भी बचेगा, आपकी वेस्टेज बचेगी, आपका टाइम बचेगा, एंड आपको प्रॉफिट भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा. तो अल्टीमेटली क्या था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में, दैट एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट शुड प्लान इन अ साइंटिफिक वे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड इट्स आउटकम्स. द मेथड ऑफ हिट एंड मिस, द मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेथड ऑफ आइडिया लगाना, अनुमान लगाने वाला मेथड जो है वो खत्म कर देना चाहिए. ठीक है, इस तरह के मेथड, साइंटिफिक मेथड इंप्लीमेंट करने चाहिए किसी भी मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है,
ठीक है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, हायर प्रॉफिट्स, हायर सेल्स, ठीक है, एक्सपेंशन ग्रोथ। एंड वर्कर की एक्सपेक्टेशन क्या है, वर्कर की एक्सपेक्टेशन है आपकी हायर सैलरी, हायर प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, यानी इन सब के बीच में कोलैबोरेशन कैसे बनेगा, ये कोलैबोरेशन बनेगा कैसे, ये कोलैबोरेशन बनेगा जब आप साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस पे, ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड कैसे अप्लाई होगा, किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने से पहले उस आइडिया के बारे में सोचना, उस आइडिया के बारे में बात करना, उस आइडिया के एक्सपेरिमेंट आउटकम्स, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के इफेक्ट के बारे में सोचना, जैसा कि साइंस में होता है, ठीक है, अनुमान लगाने वाला मेथड नहीं होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं इस प्रिंसिपल की केस स्टडी, क्या कहती है इस प्रिंसिपल की केस स्टडी, लेट मी ग्रैब द स्टाइलस। तो रोहन इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल। ही प्लान टू यूज लॉजिकल अप्रोच एंड टेक एवरी डिसीजन विद फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, क्या बात आ गई, लॉजिकल अप्रोच एंड फैक्ट एंड फिगर विथ प्रॉपर रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब कैलकुलेटिंग ऑल, विथ प्रॉपर रीजनिंग रादर देन रिलाइंग ऑन हिट एंड मिस मेथड। ठीक है, डायरेक्ट केस स्टडी है, पूछा क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज बाय रोहन। अब रोहन जो हिट एंड मिस मेथड नहीं यूज करना चाहता, हिट एंड मिस मेथड क्या था आपका, रूल ऑफ थंब, ठीक है, यानी कि जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है वो उस पर नहीं, वो नया एक साइंटिफिक मेथड हर चीज कैलकुलेशन के साथ एक्सपेरिमेंटेशन के साथ यूज करना चाहता है। तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, दिस केस इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, इस चीज को लेकर के कोई भी क्वेरी आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए, और क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एंड आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब सबसे पहले हमें इन दो टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए कि हार्मनी टर्म का मतलब क्या है, डिस्कॉर्ड टर्म का मतलब क्या है, बिकॉज अगर हमें इन दोनों टर्म्स के मतलब नहीं पता होंगे तो प्रिंसिपल को पढ़ना ही वेस्ट है। ठीक है, तो हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव, और डिस्कॉर्ड का मतलब है द्वेष की भावना, जलन की भावना, यानी कि किसी भी बिजनेस में क्या है वो एम्प्लॉयज के बीच में बड़ी सौहार्द की भावना रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच हो, या इन बिटवीन द वर्कर्स हो, या इन बिटवीन द मैनेजमेंट हो, नहीं कोई किसकी टांग नहीं खींचे, सबसे बड़ी बात होती है टांग खींचना, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग काम करते हैं, अच्छे बुरे छोटे, हाई लेवल के, लो लेवल के, मिडिल लेवल के, तो सब लेवल मतलब हार्मनी मेंटेन रहे, अल्टीमेटली इस प्रिंसिपल का मतलब ये है। एक बार और देख लेते हैं क्या है, देयर शुड बी एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि देयर मस्ट बी no conflict, there must be no misunderstanding between the workers and management। ठीक है, अब क्यों, मैनेजमेंट ये ध्यान रखे कि उनको अपने गेन्स, अपने प्रॉफिट अपने वर्कर्स के साथ शेयर करने हैं। जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में वो ये है कि एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स, यानी कि आप जो अर्न कर रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट है, डेफिनेटली आपके प्रॉफिट में आपके वर्कफोर्स का हिस्सा बनता है। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, और उसके रिटर्न में क्या है, उसके रिटर्न में वर्कर्स शुड गिव देयर 100% टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्कर्स की ड्यूटी, मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या है, अपने वर्कर्स का ध्यान रखें, अपने प्रॉफिट को शेयर करें उनके साथ। ठीक है, और रिटर्न में वर्कर का क्या काम है, अपने एटीट्यूड को चेंज करें मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए फ्रूटफुल रहे, उनके लिए एफिशिएंट रहे। हम एफिशिएंट टर्म का बार बार यूज कर रहे हैं, एफिशिएंट टर्म को समझने में आपका प्रॉब्लम है तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट वीडियो इन द चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो जिन्होंने देखा हुआ है वो समझ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट। ठीक है, तो एक फर्म को एफिशिएंट एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या रहता है, एज पर द टेलर दोज हु वर्क टुगेदर मस्ट वर्क इन हार्मनी, यानी जो लोग एक साथ काम करते हैं उनको एक साथ हार्मनी में सद्भाव के साथ बड़े प्यार से भाइयों की तरह रहना चाहिए। देयर मस्ट बी एटमोस्फियर ऑफ ब्रदरहुड इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में, चाहे अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट हो, चाहे एक दूसरे को समझने वाली बात हो, शेयर द गेंस एंड शुड वर्क हार्ड, तो ये सारे पॉइंट मैं प्रीवियस में कर चुका हूँ डिस्कस। तो इसके बाद देख लेते हैं हम इस प्रिंसिपल की केस स्टडी। केस स्टडी इज एबीसी लिमिटेड, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स, हैविंग मेड गुड प्रॉफिट्स इन द पास्ट। ध्यान रखेंगे इन्होंने पास्ट में क्या है, एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है, अंडरलाइन कर लेते हैं। कंपनी वॉन्टेड टू एक्सपेंड फर्दर एंड हैंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर। कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ने के लिए अपने एम्प्लॉयज को पिछले साल का बोनस नहीं दिया। इससे क्या हुआ, वर्कर्स गॉट एजिटेटेड, यानी वर्कर्स का मन काम से उब गया, एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक, यानी कि उस बोनस नहीं डिक्लेयर करने की वजह से उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटी, यानी अपना हक मांगने लगे। द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू देयर डिमांड, लेकिन उसके बाद ही मैनेजमेंट ने उनकी बात नहीं मानी। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या बनेगा, द प्रिंसिपल वॉयलेटेड इन द केस, या फिर मैनेजमेंट, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन द गिवन केस। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज नॉट शेयरिंग द गेंस टू देयर एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ अपने गेंस को शेयर करने को तैयार नहीं है, उनका जो बोनस बनता था वो उनको नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसर्न है, दिस कंसर्न गोज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ वॉट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मीन्स दोज हु वर्क टूगेदर मस्ट वर्क इन हार्मनी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को रेस्ट देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने रिमेनिंग 2 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। ठीक है, तो सेफ रहिए, घर पे रहिए, एंड सपोर्ट आवर इंडियन गवर्नमेंट, एंड प्रे फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस एंड द पुअर सोल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड माई थैंक्स टू सच कोरोना वॉरियर्स हु आर गिविंग देयर लाइव्स, हु आर स्टैंडिंग विद अस जस्ट टू प्रोटेक्ट अस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, थैंक यू।